सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान में आज हम बात करेंगे गोंद के फायदों की। पेशाब में जलन की समस्या पुरुषों और महिलाओं को किसी को भी हो सकती है। आमतौर पर पेशाब में जलन का कारण मसालेदार भोजन और गर्म तासीर वाली चीजों को लोग मानते हैं और वैद्य भी यही कहते हैं। महिलाओं में कई बार यूटीआई का वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से भी पेशाब में जलन की समस्या हो जाती है। इसके साथ ही ल्यूकोरिया भी महिलाओं की एक आम समस्या है। इन सामान्य मगर तकलीफ देह परेशानियों में आप घरेलू नुस्खों द्वारा आराम से राहत पा सकते हैं। गोंद का प्रयोग पेशाब में जलन, हाथ पैरों और तलवों में जलन, बार बार प्यास लगने और ल्यूकोरिया की समस्याओं के लिए रामबाण दवा है। गोंद कतीरे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फॉलिक एसिड पाए जाते हैं, साथ ही इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो ब्लड बढ़ाने में मददगार होते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं इसके प्रयोग के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि पेशाब की जलन से यह कैसे राहत दिलाता है। पेशाब में जलन की समस्या के कारण कई समस्याएं सामने आती हैं। इसे अगर समय पर ना ठीक किया जाए तो ये जलन धीरे धीरे वेजाइनल इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। पेशाब में जलन या शरीर के किसी अंग में जलन होने पर गोंद का प्रयोग बेहद फायदेमंद होता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक जलन दूर करने के लिए 2 चम्मच गोंद को रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इससे शक्कर मिलाकर खाने से राहत मिलेगी। अगर आप इसमें शक्कर की जगह मिश्री भी मिलाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। और अगर आपको पेशाब में जलन महसूस है तो 10 ग्राम से 20 ग्राम गोंद कतीरा सुबह शाम पानी में भिगोकर फुलाकर मिश्री के साथ शरबत बनाकर पिएं। अगला है, साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। पेशाब में जलन और योनि में इन्फेक्शन के कारण गंदगी हो सकती है, इसलिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को समय समय पर सफाई जरूर करते रहें। सफाई के अभाव में किसी तरह के स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। किसी भी गीले कपड़े या अंडरगारमेंट्स का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही अपने खानपान में तेल और मसाले, खासकर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करें। पर्याप्त पानी ना पीने से कई बार जलन की समस्या हो जाती है। अगला है दोस्तों, ये गोंद कतीरा जो है ल्यूकोरिया में कैसे फायदेमंद होगा वो भी जरा देख लेते हैं। गोंद कतीरा जो होता है वो महिलाओं की समस्याएं जैसे डिलीवरी के बाद कमजोरी, पीरियड संबंधी समस्या या ल्यूकोरिया में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कमजोरी और उसके कारण होने वाली शारीरिक अनियमितताओं को ठीक करता है। समस्या होने पर गोंद कतीरा तथा मिश्री की बराबर मात्रा मिलाकर पीस लें और 2 चम्मच कच्चे दूध के साथ सेवन करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर थकान और कमजोरी है किसी भी तरह की तो गोंद कतीरा आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर आपको चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, माइग्रेन की समस्या है और आप जो है ब्लड नहीं बन रहा है तो आप रोजाना सुबह 1/2 गिलास दूध में कतीरा गोंद डालें और इसमें मिश्री मिलाकर पिएं। आपकी कमजोरी थकान दूर हो जाएगी और आपका ब्लड खूब बनने लगेगा। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।